कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे। आज भक्त विनोद ठाकुर जी का क्या है जो भाव है? आविर्भाव वैष्णव के आविर्भाव या तिरुभाव में उनके जीवन चरित्र को आलोचना करने के लिए समय मिलता है। कैसे किस प्रकार से उन्होंने भजन किया, कैसे कष्टों को सहा और किस प्रकार से उन्होंने प्रचार किया। भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म महाप्रभु के जन्म मायापुर के निकट पासी में उला ग्राम में हुआ। वो नदिया जिले में है, महाप्रभु के जन्म स्थान के निकट। खूब शिक्षित और संप्राण धनी मानी घर में उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा, उनका जन्म तो मामा के घर हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई अपने पिताजी के घर पर कलकत्ते में। थोड़े दिनों में ही अंग्रेजी स्कूल में, वहां के सबसे अच्छे स्कूलों में पढ़े और थोड़े दिनों में ही बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी, अरबी, फारसी इत्यादि शब्दों इत्यादि भाषाओं के बड़े विद्वान। अपने कॉलेज के जीवन में वहां प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने अंग्रेजी में एक सीरीज में वक्तृता दिया। उसमें उस समय के ब्रह्म समाज आर्य समाज ये सब का खंडन किया। उसकी बुद्धि को देख करके बड़े लोग चकित रहते। रविंद्रनाथ टैगोर उनके वंशज में ये ब्रह्म समाज एक नया धर्म निकाला, किंतु इन्होंने उनके घर में पालित और पोषित होने पर भी उसका खंडन किया। शिक्षा समाप्त होने पर अपने पितामह जी या मातामह के जो उड़ीसा में रहते थे उनके पास में चले गए। मातामह वहां रह करके उन्होंने लॉ इत्यादि का अध्ययन किया और फिर जगन्नाथपुरी में वे जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधक नियुक्त हुए गवर्नमेंट की तरफ से। कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर ही वहां का ये प्रबंधक होता है, इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नीचे क्या होता है, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में वहां रहे और उसका प्रबंध किया और बहुत दिनों तक उसकी व्यवस्था की। उनको बहुत से लालच दिए गए बहुत तरह के, किंतु एक पैसा भी नहीं लिया। फिर उनका कटक में ट्रांसफर हो गया वहां की राजधानी में और वहां पर रहते हुए उनके कोर्ट में केस आया गवर्नमेंट के पास में कि एक सिद्ध योगी है बिशक किशन बहुत बड़ा भारी योगी है जिसकी जटाओं से आग निकलती है और जो कहता है वही हो जाता है। उसने घोषणा की कि मैं इस पूर्णिमा में आने वाली पूर्णिमा में रास करूंगा और वहां की जितनी नवजीवती स्त्रियां हैं सबके पास में वो खबर पहुंची और वो सब अंधाधुंध महिलाएं तो ऐसे ही होती हैं, उनको कुछ चाहिए
बस वहां से सब अपने पतियों को भी बात नहीं मान करके सभी छोड़ छाड़ करके और कटक के किसी पासी में जंगल में घोर जंगल में वो रहता था। वहीं पर हजारों महिलाएं आने की सोच रही थी। इतने में ये केस गया गवर्नमेंट के पास में, उन लोगों ने भक्ति विनोद ठाकुर जी को यह केस दे दिया। वो पुलिस के साथ में विशक सेन के पास में गए, उसको बहुत समझाया कि आप ऐसा अनिति ना करें, ये धर्म विरुद्ध काम ना करें, किंतु वो माना नहीं। हम करेंगे और तुम इसमें झंझट में मत पड़ना, नहीं तुमको जला करके भस्म कर देंगे, तुम मर जाएगा। उन्होंने माना नहीं, फिर लौट करके आए और पुलिस को अधिक साथ में लेकर के जिस दिन राष्ट्र होगा उसके एक दिन आगे पहुंच करके उसको गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जब गई तो ऐसे ऐसे हिला देता तो आग की लपटें निकलने लगी। किसी का साहस नहीं हुआ। जब साहस नहीं हुआ तो कोई पकड़ ही नहीं सके, तो वो खुद ही उन्होंने कैंची ले ली और उसको पकड़ करके अपने हाथों से उसका कैंची से उसकी सारी जटाएं काट करके फेंकी। कहा जी अभी तू नहीं मानेगा तो तुमको जेल में देंगे। अच्छा तो देखो ये क्या होता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी दूसरे दिन गए कोर्ट में तो पेट में बड़े जोर से स्टूल उठा और उनके बेटे के ओढ़ी बुखार हो गया, उनके पेट में स्टूल निकालने लग गया। उन्होंने कोई बात नहीं, भगवान का नाम करते करते कोर्ट में गए और फिर उसको हाजिर किया गया। और जैसे रात में तुमको दिखलाया तुमको याद नहीं है जो हमने रात में दिखलाया, अब तो तुमको जान से मार डालेंगे। मैं कोई बात नहीं, तुम अपनी बात से मानेगा कि नहीं, राष्ट्र करना छोड़ो, गवर्नमेंट का विरुद्ध तुम करना छोड़ो, जो उन्हें अंग्रेज को हटा करके मैं वहां का राजा बनूंगा भारत वर्ष का और राष्ट्र करूंगा। भक्ति विनोद ठाकुर के कहने पर जब नहीं माना तो उसको लेकर के जेल में बिना खाए पिए उपवास रहा, कुछ दिनों के बाद नहीं। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर ने निडर होकर के उस योग को भी दंड दिया। ऐसे वो प्रति थे। अरे बहुत बहुत हमने संक्षेप में कहा, इसको थोड़ा सा और बढ़ा, हमको वहां जाने से कर बढ़ेगा नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर का प्रधानतः दो कार्य था। ये क्या धाम प्रकाश और नाम प्रकाश। किस प्रकार से वो अपना अवसर लेकर के नौकरी से स्वरूपगंज में गोद्रुम कुंज में वो भजन करते थे और भजन करते 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 रात में उन्होंने कुछ दृश्य देखा माया के पुरुष की तरफ में। वहां पर देखा एक ज्योति कुंज प्रकाश वहां हो रहा है और वहां पर महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु जी अपने सब गणों के साथ में नृत्य कर रहे हैं, हरी बोल कर रहे हैं। और थोड़े दिन में वो दृश्य लुप्त हो गया। दूसरे दिन भी उन्होंने देखा, दूसरे दिन देख करके और फिर तीसरे दिन सवेरे जिस स्थान से प्रकाश पुंज आ रहा था उधर गए, देखा ये नारियल का पेड़ है और उस गंगा के किनारे और उस नारियल पेड़ के नीचे में तुलसी का वन है बहुत बड़ा। उन्होंने गांव वालों को पूछा भाई यहाँ पर तुलसी का वृक्ष क्यों है, तो वहां के निवासी थे मुसलमान लोग, उस स्थान का नाम रख दिया था मियां, जैसे इस स्थान मथुरा का नाम मोमिनाबाद और वृंदावन का फकीराबाद नाम रखा था, ऐसे ऐसे नाम बदल दिए थे।
अभी भी गवर्नमेंट के खाते में मुसलमानी समय का उसमें मीनाबाद और फकीराबाद सब नाम, वैसे माया मियापुर नाम रख दिया था, मायापुर नाम था मियापुर रख दिया। तो वहां पर पूछा जी यहाँ तुलसी का वन किस लिए है, उन्होंने कहा कि हम लोग जो कुछ यहाँ लगाते हैं वो तुलसी ही हो जाता है, हम गेहूं धान जो कुछ भी होता है हम फसल लगाते हैं कि सभी कुछ हो जाता है केवल तुलसी, इसलिए हम लोग कुछ लगाते नहीं, अपने आप तुलसी का वन उखाड़ करके फेंकने पर भी फिर वही तुलसी का वन हो जाता है। तब उन्होंने निश्चय किया यही चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान है और जगन्नाथ का भवन है, शची मैया का घर है। फिर वो जा रहे थे वृंदावन में सूर्य कुंड में, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रहते थे, वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज रहते। तो वहां इसके पहले बहुत बार आए थे सूर्य कुंड में, सूर्य कुंड हम लोगों का एक भजन का स्थान है, यहाँ पर श्रीमती राधिका सूर्य पूजा के बहाने वहां पर जाया करती थी और राधा जी से कृष्ण स्वयं मित्र का मंत्र बोल करते और उनकी आराधना कराते थे। एक समय भक्ति विनोद ठाकुर जी वहां गए थे तो गोवर्धन से राधा कुंड का स्थान और मथुरा से गोवर्धन का स्थान पट्टाधारियों से भरा पड़ा था, जो लूटते थे यात्रियों को, दिन में ही लूट लेते। भक्ति विनोद ठाकुर ने यहाँ के मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दे करके और उन सबको वहां से भगाया, तब रास्ता कुछ सुगम हुआ। तभी राधा सूर्य कुंड का स्थान और भी बड़ा भारी भयानक था, उन्होंने उसको भी ठीक कराया। तो वहां पर जब जगन्नाथ दास जी से मिले तो उनके शिष्यों ने कुछ आपत्ति इनके पास में की, बाबा जी महाराज के पास में हम लोग घर छोड़ करके आए भजन करने के लिए और ये हमें साग सब्जी लगाने के लिए फूल बगीचा इत्यादि लगाने के लिए कहते हैं तो हम लोग क्या करें। उन्होंने कहा जब तक तुम्हारी पूर्ण रूप से सुकृति नहीं होगी, अनर्थ दूर नहीं होगा, शुद्ध नाम नहीं होगा, केवल माला 1 लाख 2 लाख करने से भी नहीं होगा, अनर्थ दूर होना चाहिए और संबंध ज्ञान के साथ में होना चाहिए, हमारा संबंध कृष्ण के साथ में क्या, अन्यथा भजन ठीक नहीं होता। तो तुम यदि हरिनाम भी करोगे और रासलीला या राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं को भी अष्टकाली लीलाओं का चिंतन करोगे तो तुम्हारे हृदय में काम आएगा, उसको तुम लोग चेक नहीं कर सकते, इसलिए अच्छा है जो तुम इनकी बात मान करके पहले फूल उगाओ, खेती करके और ठाकुर जी की सेवा पूजा करो, गुरु वैष्णव की सेवा करो, तुम्हारा अनर्थ दूर हो जाएगा और गुरु कृपा से तुम्हारे अनर्थ दूर होने पर कृष्ण का संबंध उचित होगा, तुम्हारा सिद्ध स्वरूप होगा, उस समय अष्टकालीय लीला होगी। अभी चिंतन करने से केवल कामुकता ही बढ़ेगी। भक्ति विनोद ठाकुर का उपदेश यह बहुत ही सुंदर, जो कोई आ जाए उसको बाबा जी का वेश बना दो और सिद्ध देह का स्वरूप भी बतला दो तो क्या करेगा। इसीलिए बाबा जीओं के दल में अधिकांश चरित्र भ्रष्ट लोग हैं, चाहे वृंदावन हो चाहे राधा कुंड में विशेष रूप से या और जगह, वो चरित्र को ठीक नहीं रख सकते। अष्टकाली लीला करने का अधिकार उनको है, भेद का अधिकार सबको नहीं है। भेद का मतलब है परमहंस वेश, परमहंस वेश दिया नहीं जाता, वो तो अपने आप वो प्रकट होता है अधिकार गुरु वैष्णव की सेवा करने से और भजन करने से। भक्ति विनोद ठाकुर लौट करके आए और एक समय वृंदावन जाने की तैयारी में थे, ये वहां जाकर के ब्रज में भजन करेंगे। वहां पर पारसी में कलकत्ते से थोड़ी दूर तारकेश्वर नामक स्थान है, वहां पर महादेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। रात में वहां थे तो तारकेश्वर ने उनको कहा, अरे ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर जी आप वृंदावन में जा रहे हैं, गौर के ठाकुर, गौर देश के ठाकुर चैतन्य महाप्रभु
उनको तुमने प्रकाश नहीं किया, धाम नहीं प्रकाश किया, उनके लीलाओं को प्रकाश नहीं किया और घर में जा रहे हो, ये तो उचित नहीं है। इतना कहने पर उन्होंने अपना संकल्प बदल दिया और तब ब्रज से जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को बुलाया। 144 वर्ष की उम्र, ये पपनिया सब नीचे गिर गई और केस लंबे लंबे, यहाँ उठ करके खड़े नहीं हो। उनका सेवक एक टोकरी में इधर कुछ रख करके और इधर में खाने पीने का सब सामान रख करके उनको पांगी पर ले करके चलता था। भक्ति विनोद ठाकुर ने उसी तरह से उनको मायापुर में बुलाया और वहां पर गए। जब उस स्थान पर पहुंचे उस समय बंगाल के जितने बड़े बड़े विद्वान लोग थे, बड़े बड़े विद्वान और भक्त लोग, शिशिर कुमार घोष, तरुण कुमार त्याग कांति और बहुत से लोग थे, उसी के बीच में कीर्तन हो रहा था और जहाँ और महाप्रभु जी का जो मंदिर है जो बना है अभी योगपीठ में, वहीं पर उदंड होकर के जमीन से 5-7 हाथ ऊपर उठ करके नृत्य करने लगे। पलकों को यहाँ पर बांध दिया, पलक जो गिरती है बांध दिया और उठ करके यही हमारे महाप्रभु जी का, प्राणनाथ जी का ये जन्म स्थान। इसके बाद से चारों तरफ में ये प्रचार हुआ, पत्रिकाओं में छपने लगा। उसका अंग्रेजों का समय का वो मैप मायापुर का निकाला गया और ये सब प्रतिष्ठित हुआ, ये यही मायापुर महाप्रभु का जन्म स्थान। भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं कर सकते थे किंतु डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और ये सरकारी अफसर थे, उनकी कोई बात नहीं मानता। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी को बुला करके यहाँ से प्रसिद्ध और इस धाम को प्रकाश और ये काम किया। लोग कहते थे, बहुत से लोग, महामंत्र हरे कृष्ण ये उच्च स्वर से कीर्तनीय नहीं है, ये मन ही मन में जपना चाहिए। ये मंत्र है ना, महामंत्र है, मंत्र को जोर से करने से मंत्र की शक्ति हानि हो जाती, इसलिए धीरे धीरे मन ही मन में उच्चारण करना चाहिए और संख्या पूर्वक ही करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर ने ही सारे मतवादों को खंडन करके उन्होंने कहा, महाप्रभु जी जबकि रथ यात्रा में अपने बंधुओं के साथ में, परिकरों के साथ में जब कीर्तन करते थे जोर जोर से हरे कृष्ण उसमें माला लेकर के करते थे और धीरे धीरे मन में माला से करते थे, जारे देखो तारे करो कहो उपदेश हमार आज्ञा तार भैया यही थे, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये लिखा है चैतन्य भागवत में और उसके बाद में उस वहीं पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ए महामंत्र यहाँ जपे या सबे करिया निर्बंध, यहाँ होते सर्व सिद्धि हई पे सवार, सर्वक्षण बोलो इतने विधि नहीं है, बोलो बोलो मैंने क्या कुछ। और उसमें लिखा गया है जप करने से उस जप कर्ता का ही केवल कल्याण होता है और उच्च स्वर से करने से कर्ता और जो श्रवण करता है श्रोता सबका होता है और जपने से हजार गुना आदि कीर्तन का फल होता है। इसलिए चारों तरफ में प्रचार किया, केवल ऐसे ही नहीं प्रचार किया, उन्होंने नामहट स्थापित किया, गांव गांव में गए और नामहट स्थापन किया। कैसे किया, उसका सदस्य बनाया, गांव में गए, इसका सदस्य वह होगा जो प्याज लहसुन नहीं खाता, मांस मछली नहीं खाता, धूम्रपान नहीं खाता और शराब नहीं पीता, वो सदस्य रहेंगे और वो सभी लोग मिलकर के नगर में फेरी लगाएंगे और कीर्तन करेंगे और प्रचार करें। इस तरह से नाम हट का झाड़ूदार खुद बने, ये मैं नाम हट का झाड़ूदार हूं, झाड़ू मैं लगाऊंगा। मतलब क्या,
झाड़ूदार कौन हो सकता है जो हमारे हृदय के कालिमा को, अनर्थ को, अपराध को दूर कर सके, ये कौन हो सकता है? गुरु के अतिरिक्त नहीं हो सकता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी गुरु को करके झाड़ूदार बने नाम हट्ट के, जैसे नाम हट्ट में झाड़ू देने से शुद्ध नाम आएगा, अपराध रहित आएगा और संबंध युक्त नाम होगा, इसकी शिक्षा उन्होंने दी। तो ये दो काम उनके बड़े महत्व के हैं। उन्होंने कहा कृष्ण रा संसार करो छाड़ी अनाचार, जीवे दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। क्या मतलब? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों इसी एक बयान में, दो लाइनों में आ गए। कृष्ण से हमारा संबंध है, इसलिए कृष्ण का संसार करो। कृष्ण का संसार माने कैसे करो? अभी हम जो कुछ करते हैं घर के लिए करते, गृहस्थ लोग घर के लिए और त्यागी लोग अपने लिए करते हैं, ठाकुर जी के लिए। कभी कभी हम देखते हैं कि ठाकुर जी के लिए रसोई नहीं बनती है, रसोई किसके लिए बनती है? अपने भोग लिए। तो वो कहां जाएगा? घर छोड़ करके माता पिता को आकर के अपने लिए यदि कोई रसोई बने तो उसकी क्या गति होगी, समझो। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कृष्ण संसार, कृष्ण को बीच में रख करके कृष्ण के लिए जीव का उत्पादन, कृष्ण का भजन करने के लिए अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। और जो कुछ करो, व्हाट एवर यू डू, डू फॉर कृष्ण, टू प्लीज कृष्ण, कृष्ण के लिए। यशोदा मैया जो कुछ भी करती है किसके लिए? दूध की रक्षा करने के लिए गई, कृष्ण को गोदी से हटा दिया, किस लिए? कृष्ण के लिए ही, कृष्ण की प्रीति के लिए ही। हमारे दूध से ये मक्खन नहीं बन सकता, हमारे दूध से राबड़ी रसगुल्ला नहीं बनेगी, हमारे दूध से और कुछ नहीं बन सकता, और ये दूध से ही होगा। इसलिए भक्तों को कभी कभी कृष्ण को जो चीज प्यारी है, कृष्ण के सुख के लिए है, उसका अधिक ध्यान रखते हैं, कृष्ण का कम रखते हैं। ये भी प्रीति का एक आवर्त या लक्षण। कृष्ण के लिए दूध के लिए गई बचाने के, कृष्ण ने प्रेरणा करके अपनी मैया को भेजा दूध रक्षा करने के। प्रश्न होता है ये दूध के लिए कृष्ण है कि कृष्ण के लिए दूध है? कृष्ण को छोड़कर के, कृष्ण को मचलता रोते हुए छोड़कर और दूध को रक्षा करने के लिए गई, ये कहां तक न्याय है, कहां तक ये भक्ति है? अजय भक्तों का ऐसा ही प्रेम ही विचित्र होता है, प्रेम का विवर्त होता है। उसके कपड़े लत्ते के लिए, उसके खेलने के लिए बाजार से कुछ ले आई और उसने तोड़ दिया, तो मैया ने क्या किया? एक लपड़ धर। अरे कृष्ण के लिए तो वो ले आई थी और उसने तोड़ दिया तो उसी को मारा, तो कृष्ण रोने लग गए। ये भी कृष्ण के लिए है। साधारण आदमी जिनको मर्यादा तक का ज्ञान है, भक्ति का ज्ञान नहीं, उसको ऐसा ही कर। यदि कृष्ण से अधिक हम राधा जी की सेवा करते हैं तो कृष्ण का अपमान हो गया साधारण दृष्टि से, किंतु नहीं, कृष्ण से की सबसे प्यारी राधिका जी, इसलिए राधिका की सेवा होने से सबसे वो प्रसन्न हो। उसी तरह से ये समझो, प्रेम एक विपर्क है, इसको साधना समझना। ऐश्वर्य ज्ञान वालों के लिए ये कभी भी संभव नहीं, वो समझ नहीं सकते ये कृष्ण किसी की उपासना कर सकते हैं, ये उनके समझ में नहीं, हजार समझाने पर। इसलिए उन लोगों के लिए हमारे जीव गोस्वामी ने स्वकीय बात की स्थापना की, ऐसे अयोग्य लोग। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जो कुछ भी करो देखो इससे कृष्ण प्रसन्न हुए। यहाँ कृष्ण का मतलब क्या? कृष्ण और उनके परिकर, उनके भक्त, यहाँ तक कि साधक भक्तों को भी ले लो,
मध्यमाधिकारी को ले लो, बिना उनकी कृपा से भगवान की कृपा नहीं आएगी, उनकी कृपा की अनुगामिनी कृष्ण की कृपा है। इसलिए मध्यम अधिकारी भक्त जो शुद्ध अंतःकरण के हैं, अनर्थ रहित रहे, उनके आदेश के अनुसार में भजन करो अनुगत। तो जो कुछ करो कृष्ण के लिए, छाड़ी अनाचार, जितने प्रकार के भक्ति में बाधक हैं वस्तु, सबको छोड़ करके। हमारा शरीर भी यदि भगवान के भजन में बाधक है, हमारा गुरु भी बाधक है, हमारा घर बाधक है, हमारा प्रिय व्यक्ति बाधक है, हमारा स्वभाव बाधक है, सबको छोड़ो कृष्ण के लिए। तो सब जितने अनाचार है, अन्न आचार, सबको छोड़ो। जीवे दया, जीवों पर दया करो। ये किसके लिए कहा गया? मध्यम अधिकारी के लिए कहा गया, उत्तम अधिकारी के लिए उपदेश नहीं, और कनिष्ठ के लिए भी नहीं। उनके लिए जीव दया, जीवों की दया क्या? उनको रुपया पैसा दे दो, खिलाओ पिलाओ, ये दया नहीं। ये भी करो, कोई हानि नहीं, किंतु उनको कृष्ण के, उनकी वृत्ति को कृष्ण के तरफ में कैसे लगा दिया जाए, ये बन। जो लोग ऐसे करते हैं वो भूरिदा जना, भूरिदा जना। इसलिए ऐसा करो, कृष्ण का संसार करते हुए अनाचार को छोड़ करके जीवों पर दया करो। जो कनिष्ठ है, जिसको भगवान की तरफ में वृत्ति नहीं है, उनको भगवान की कथा सुना करके जैसे तैसे उनकी वृत्ति को मोड़ दो भगवान की तरफ में, ये कोटि कोटि दयाओं से ये बढ़कर के श्रेष्ठ। इफ यू आर हेल्पिंग वन टू चेंज हिम हिज द डायरेक्शन ऑफ हिज वृत्ति टुवर्ड्स कृष्णा, और दिस इज माय मोस्ट हाई क्लास ऑफ ओम मर्सी, सो वी शुड ट्राई टू डू। जीवे दया और कृष्ण ना, जीवों के प्रति ऐसी दया और कृष्ण का ना, ये हुआ क्या? अविधेय ना। और जब सिद्ध अवस्था में आएगा तो वही नाम उसके लिए सिद्ध हो जाएगा, तब वो साधन नहीं रह करके सिद्ध हो जाएगा, वो कृष्ण स्वरूप राधा स्वरूप वही नाम हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर साधन और सिद्धि के लिए भी बतलाया गया, दोनों अवस्था में प्रयोजन के लिए भी बतलाया गया। सर्वधर्म सार, समस्त धर्मों का यही सार है। एक बात और, उनकी निष्ठा कृष्ण में कैसी थी? विषथानुपुरे जन्म लैव जावटे विवाह होवे ब्रज गोपी भाव हई बे स्वभाव आन भाव ना रहे। क्या कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? ब्रजपुरे जन्म लै, वो हमारा कब सौभाग्य होगा? ब्रजपुर में हमारा जन्म होगा। कहां पर जन्म होगा? विश्वभानु के संबंधित उनके भाइयों में से, भतीजों में से किसी की लड़की के रूप में हमारा जन्म हो, और जावट में हमारा विवाह हो। क्यों? राधा जी वहां पर है, ललिता विशाखा सभी है वहां, और ब्रजगोपी भाव है वे उधर। मेरे अंदर में सबसे में ब्रजगोपी का भाव आएगा, और आन भाव न रहे, और दूसरे सब भाव दूर हो जाए। निज सिद्ध देव, निज सिद्ध नाम, निज रूप, स्वपसा राधा कृपा बले लभी व कृष्ण प्रेम प्रकार। एकादश प्रकार के भाव है, 11 प्रकार, वो सभी भाव हमारे कब उदित होंगे? जब जन्म होगा ब्रजपुर में गोपियों के घर में, और उसमें मेरा सिद्ध नाम होगा, और क्या होगा? स्वभाव और सिद्ध देह रूप, सिद्ध नाम, अपना वसन, अपना और वसन माने यहाँ पर वास, कहाँ पर वास, और क्या सिद्ध सेवा होगी, ये सब राधा जी के कृपा के बल से कब हमको ये मिलेगा। और राधा जी का प्रेम का प्रकरण है वो कृष्ण प्रेम, मैं कब समझूंगा, उपलब्धि करूंगा? जमुना सलीले आहरणे गिया, जमुना सलील आहरणे गिया,
बुझीबा जुगल रस प्रेम मुग्धाए पागले निन प्राय गाइब राधा रस। केवल राधिका जी का जस गाऊंगा पागल हो करके उसमें वैसे शरीर में। और क्या कहा, राधा पर पक्ष छाड़ी, राधा जी का पक्ष छोड़ करके जे जन से जन, जे भावे से भावे, राधा जी के अनुगत में भजन करने के अतिरिक्त जो व्यक्ति जैसे तैसे जहां तहां जो रहे रहे, उसे हमारा कोई भी संबंध नहीं। अमित राधिका पक्षपाती सदा कभू नहीं हेरी, मैं उसके साथ में कोई संबंध नहीं, उसको कभी भी देखना पसंद नहीं था। राधिका चरण त्यजिया अमार क्षणे का प्रलय है, राधिका को छोड़ करके ऐसा हो जाए हो रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं ये उनका होता है, राधिका चरण त्यजिया अमार क्षणे का प्रलय, ऐसा मेरा प्रलय हो गया, मेरा जीवन का अंत हो गया। राधिका करे शत बार मर, राधिका के लिए मैं सौ सौ बार मरना पसंद करता हूँ, यह दुख हमसे सज्ज है, किंतु राधिका के चरण को छोड़ करके कहीं जाना इसको मैं नहीं सह सकता। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का भाव है। जल्दी उसको थारो थारो ललिता सखी अयोग्या किं करी अनुगा किं करी, अयोग्या से भी अधिक अनुगा किं करी विनोद धरी छे बार। ललिता सखी की अनुगा किं करी मैं हूं, या उनकी अनुगा जो किं करी है, पंक्ति विनोद ठाकुर के चरण की सेवा का यही उनकी अभिलाषा है। इस तरह से भक्ति विनोद के ठाकुर के यौन चरित्र में देखा जाता है। समस्त ग्रंथों को रचना करने के बाद में सारे ग्रंथों को अंतिम उनका ग्रंथ है जैव धर्म। जैव धर्म क्या है, एकाधार से साधन और साध्य दोनों, केवल साधन ही नहीं, पहले साध्य वस्तु होनी चाहिए तब साधन पीछे होगा। फर्स्ट साध्य एंड आफ्टर साधन, भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रारंभ से लेकर संसारिक दशा में भजन, सिद्ध दशा में भजन, ये सब काम उन्होंने समावेश किया है जैव धर्म। कैसे एक साधक संसार से निकल करके गुरु पदाश्रय करेगा, और कैसे आदौ सद्दा तथा साधु संग ततो अनर्थन वृत्ति ततो निष्ठा रुचि आसक्ति और प्रेम, ये सारा चीजों का साधन का अच्छी तरह से समझा करके अनुभव करके जितने भी प्रश्न हो सकते हैं प्रश्नों को निकाल करके और ऐसी शिक्षा, ऐसा ग्रंथ साध्य और साधन का जगत में मिलना दुर्भर, बड़ा भारी कठिन है। जो कुछ है वो जैव धर्म में सदगुरु के साथ में पढ़ा जाए उनसे, तब तो समझ में कुछ आएगा, अन्यथा समझ में आना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए ये संबंध अभिधेय और प्रयोज प्रयोजनात्मक ये जैव धर्म का, यदि कोई भजन करना चाहे तो इन सब चीजों को अच्छी तरह से गुरु के निकट पढ़ करके ऐसे ही साधन भजन में लगे। सारी चीजें जो रघुनाथ दास गोस्वामी के पुस्तकों में, जो रूप गोस्वामी के पुस्तकों में, और इधर उधर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पुस्तकों में, जहां जो कुछ है सारा साधन और सिद्ध का सब कुछ उसमें लेकर के भरपूर रख, एक आदर्श भाव के अतिरिक्त में पांच दशाएं इत्यादि जो होती है उसका भी वर्णन दिया है, इसलिए कुछ बाकी नहीं छोड़ा। अब साधन भजन करना हमारा ये कर्तव्य है, जो कैसे वैसा भजन कर, भजन चाहते हो जो अपने शरीर के सुख साधन करना चाहते, शरीर तो एक दिन प्रलय होएगा, इसलिए शरीर की चिंता मत करो, भगवान का भजन करने से शरीर भी रहेगा और भजन भी होगा। इसलिए गुरु के अनुगत्य में शुद्ध रूप से भजन करने की चेष्टा हम लोग करें, और भक्ति विनोद ठाकुर जी हमारे ऊपर में सबके ऊपर में दया करें, जिससे कि हम लोगों को ये सब विषय उपलब्धि हो। कोई कीर्तन कर सकता है, ये गाय गुरा चंद जीवे तरे, एक बार बोल रसना ऊंचे स्वरे, कौन कर सकता है, एनीवन?
कौन है? कर सकता है कौन? भाग गया तो छोड़ दो, नहीं आकर तुम गाय गोरा चांदी सारे।